नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टीवी और फिल्मों में देखा होगा और सुना होगा, पर अब मैंने आपसे मिलने का जरिया बनाया है रेडियो। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर, 92.7 बिग एफएम, और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर वन का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियाँ सुनाऊँ जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो सही हो, फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। दारा साहब स्टंट फिल्में करते थे, फौलाद, वीर भीमसेन, डाकू मंगल सिंह वगैरह वगैरह, तो ये फिल्म्स की जो कैटेगरी थी, हम मान सकते हैं कि स्टंट फिल्म की हीरोइन कही जाने लगी वो। और इसी इमेज की वजह से 16 फिल्मों में एज हीरोइन काम करने के बावजूद इन्हें कोई ए ग्रेड की फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। ये उनकी इमेज बन गई कि स्टंट फिल्मों में करती है, स्टंट फिल्मों में क्या करना है, 2-3 गाने गाने हैं दारा सिंह जी के आसपास वो करते हुए, है ना, है ठीक है ना। तो ये इमेज थी, कोई डायरेक्टर लेना नहीं चाहता था, सब कुछ था कि हाँ भाई घर थोड़ा सा बेटर हो गया, जूनियर आर्टिस्ट की बच्ची मुमताज बन गई हीरोइन। चलो सीग्रेट की फिल्मों में बनी, लेकिन बनी तो सही हीरोइन, और जब बनी हीरोइन तो दूसरे एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, नेवर बिफोर। जी बिल्कुल। मुमताज ने जो किया, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने वो जो 16 फिल्में की हैं एज स्टंट फिल्म्स की हीरोइन, वो ही अपने आप में सलाम के काबिल है। मुमताज के लिए तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। भाग्य और नियति ने लिख दिया था मुमताज के लिए कि तू एक दिन भारतवर्ष की एक महान अदाकारा बनेगी, बन जाएगी एक बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी अभिनेत्री। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप समझे, वो उर्दू का एक शेर याद आ रहा है जो मुमताज को मैं नजर करना चाहूंगा। नाशनास मतलब जो अनचीना है, जिसको आप जानते नहीं है, तला तुम मतलब तूफान आंधी। ऐ नाशनास तला तुम, तू डराता है किसे, ऐ नाशनास तला तुम, तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। तो हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ती मुमताज को मिला वो हीरो जिसने मुमताज को स्वीकार किया अपनी हीरोइन के रूप में। जैसे कहते हैं ना, एक वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ये स्टंट फिल्म्स की हीरोइन ने पहला कदम बढ़ा दिया था अदाकारा बनने की तरफ से। जोरदार तालियां मुमताज जी। हमारे स्टूडियो में बैठी हुई जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स हैं, श्रोता जो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ कहने के लिए मचल रहे, सुनेंगे उनको भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सबका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जी जनाब, मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, आपने इस कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप लोग कुछ तीसरी मंजिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी ऐसे सर, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, जब तीसरी मंजिल का गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था तो शम्मी कपूर जी पंचमदा के घर गए और उन्होंने कहा कि सुनाइए, क्योंकि शम्मी कपूर का शुरू से मन नहीं था, वो चाहते थे शंकर जयकिशन। हाँ, क्योंकि वो एक पूरी टीम थी, आप अगर आप देखेंगे प्रोफेसर से लेके वो सारी की सारी फिल्म्स के अंदर जो एक पूरा अपना हर एक इंडस्ट्री में एक ग्रुप बन जाता है, तो जाहिर है कि ये नया लड़का था, शम्मी कपूर बहुत बड़े स्टार थे और शम्मी कपूर की अपनी एक टीम थी जिसमें शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत साहब थे, तो उनके अपने रिजर्वेशन होंगे।
इस वजह से शायद वो नहीं चाहते थे। हाँ, जी, जी जी। तो पंचम दा ने अपना पहला कॉम्पोजिशन तीसरी मंजिल के लिए सुनाया उनको, तो गाना था दीवाना मुझसे नहीं। सुनते ही शम्मी कपूर ने रोका कि एक मिनट रुको, ये गाना मैं प्रोफेसर की शूटिंग के दौरान मैं दार्जिलिंग गया हुआ था, वहाँ एक नेपाली लड़के से मैंने ये धुन सुनी हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेपाली अंचल की झलक इस गाने में आती है। नेपाल में जो राज्य है उनको अंचल कहा जाता है, और नेपाल को अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत कंट्री है और पहाड़ हैं, और उनके म्यूज़िक के अंदर भी कहीं ना कहीं उस तरह के राग रागनियों का समावेश है। तो आप देखिएगा एक वो उस अंचल की झलक है। तो शम्मी जी ने अगर कहा कि भाई ये तो नेपाली गाना है तो शम्मी जी गलत नहीं। उनको फिर प्रूफ करने के लिए काफी टाइम लगा, फिर वो अपनी अगली कॉम्पोजिशन जब तक लाए ओ मेरे सोना रे सोना, तब शम्मी जी ने सुन के हुआ ये होगा कि जब देखा होगा पंचम दाने के सुपरस्टार ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है, या जहां से वो इन्फ्लुएंस हुए वो पकड़ लिया है, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए एक भारी कम्पोजिशन के, हाँ देखिए शम्मी जी राहुल देव बर्मन मारता ही नहीं है, अब आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो सुनाई होगी तुमने मुझे। यही वो कंपोजिशन थी जिसकी रिकॉर्डिंग के टाइम दादा सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि शम्मी जी के एक्सप्रेशन से वो समझ नहीं पा रहे थे कि शम्मी जी खुश हो रहे हैं या मतलब शम्मी जी परेशान है। लेकिन जैसे ही गाना रिकॉर्डिंग हुआ तो शम्मी जी ने खड़े होकर स्टूडियो में ताली बजाई और उनको अंगूठा दिखाया, थम्स अप का अंगूठा दिखाया, तब जाके आईटी पर उनको समझ में आया। व्हाट अ कंपोजिशन, व्हाट अ कंपोजिशन, हैट्स ऑफ टू आरडी बर्मन, हैट्स ऑफ टू मजरू साहब। ग्रेट बिमल रॉय ने फिल्मों के अलावा और क्या क्या दिया फिल्म इंडस्ट्री को, बताऊंगा वापस आके। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बिमल रॉय ही वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने सलिल चौधरी को हिंदी फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। बिमल दा की दो बीघा जमीन, प्रेम पत्र, परख, विराज बहु और मधुमती में म्यूजिक बाय सलिल चौधरी। ये गाने अमर हैं, ये गाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बिमल रॉय की दी हुई अनमोल एक अनुपम भेंट है। इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े और क्या क्या भेंटे दी हैं बिमल दा ने। पहला नाम है हिंदी फिल्मों में बिमल रॉय की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक और ग्रेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का। ऋषिकेश मुखर्जी बिमल दा के असिस्टेंट तो थे ही, साथ साथ उनकी फिल्में भी एडिट किया करते थे। दो बीघा जमीन और परिणीता से शुरू हुआ ये एसोसिएशन ऋषि दा के डायरेक्टर बनने तक, बल्कि उसके बाद भी चलता रहा। वो डायरेक्टर बन गए थे फिर भी वो करते रहे। फिल्म मधुमती के लिए उन्हें बेस्ट एडिटर के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। और डायरेक्टर बनने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने हमें नायाब तोहफे दिए जिन तोहफों का नाम है अनुराधा। बिमल, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बिमल दा ने यही नगीने नहीं दिए, एक और नगीना दिया है एक गीतकार का। सबसे पहले मौका दिया उस व्यक्ति को, एक टैलेंटेड लड़के को जिसका नाम था गुलजार, संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा और गुलजार ने असिस्ट किया उनको, और एज ए गीतकार पहला मौका ही बिमल दा ने दिया, फिल्म में गाना लिखवाया मोरा गोरा अंग ले ले बंदनी के लिए। और यहीं से गुलजार का सफर शुरू हुआ, जो बाद में न सिर्फ गीतकार बने, महान निर्देशक बने। कितनी कमाल कमाल की उन्होंने फिल्में बनाई हैं, डायलॉग लिखे हैं, गीत लिखे हैं, मेरे अपने, कोशिश आंधी, किनारा मौसम, बहुत बढ़िया फिल्में दी हैं। लेकिन हम सब के सब फकीर उसी सिलसिले से हैं, ये सारे के सारे शागिर्द हैं और गुरु का नाम है बिमल रॉय। सुनाएंगे मुकेश जी की लव स्टोरी और उनकी कुछ गलतियां जो इफेक्ट कर गई उनके करियर को। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुकेश जी का करियर चल पड़ा, गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान मुकेश की मुलाकात हुई एक बहुत ही सुंदर और सुशील सरल लड़की से, जिसका नाम ही था सरल, पूरा नाम जी सरल त्रिवेदी नाम था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे,
देखो जमाना अलग था, अभी अभी की तरह नहीं था कि एकदम आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने का। हाँ जी हाँ जी। पर सरल त्रिवेदी थी गुजराती और फैमिली भी पैसे वाली थी। सरल त्रिवेदी के घर वालों को सरल और मुकेश का रिश्ता मंजूर नहीं था। अच्छा, इधर मुकेश जी की फैमिली को भी ऑब्जेक्शन था। मोतीलाल जी ने जब दोनों का प्यार देखा, प्रेम देखा, तो दोनों फैमिलीज को समझाने की कोशिश की, पर दोनों खानदान अपने फैसले पर अड़े रहे। मरता क्या ना करता, ऐसे में मोतीलाल ने अपनी जिम्मेदारी पे इन दोनों की शादी करवा दी। अच्छा, दोनों फैमिलीज को लगता था कि भैया ये बहुत डिफरेंस है सारा का सारा, ये चलने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो ताज्जुब है कि फैमिली वाले ऐसा सोचते क्यों थे, जमाना कुछ और था, जमाना कुछ और था। उस जमाने में भारत में इतने डिवोर्स नहीं हुआ करते थे। एक अजीब सा लोगों के बीच में अजीब सी शांति थी, अजीब सा टॉलरेंस था। पति पत्नी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके मैनेज करते थे। और तो लंबी आयु वाले कितने ही घर थे जिसमें पता लगता था कि जो पति पत्नी हैं उनके बीच में शादी हुए 50 साल हो चुके, 55 साल आम बात थी हिंदुस्तान के घरों में। लेकिन जैसे जैसे टॉलरेंस ख़त्म होता गया, सबर चला गया, ईगोज होने लगे, तो डिवोर्स भी बढ़ने लगे। हम बात कर रहे हैं मुकेश जी की और सरल जी की। उनके परिवार वालों को ऐसा लगता था कि साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये जुगल जोड़ी ऐसी जमी कि मुकेश की आखिरी सांस तक सरल उनके साथ रही। इस जुगल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां, बहुत कमाल की। अच्छा, 1953 में मुकेश जी को एक फितूर चढ़ गया स्टार बनने का। वो अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहते थे, इसलिए जब उन्हें उस वक्त एक फिल्म का ऑफर आया तो उन्होंने गाने की कॉस्ट पर फिल्म साइन कर ली। गाने की कॉस्ट पर मतलब कि गाना नहीं गाया जी, फिल्म इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक फिल्म तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। इस दौरान मुकेश पे किसी और के लिए गाना गाने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में सिर्फ दो गाने रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करने के बाद बाकी गाने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। दोनों फिल्में बनकर रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गईं। मुकेश जी न सफल हीरो बन पाए और सफल गायक बनने के रास्ते पर उन्होंने खुद ही खड्डे खोद दिए। अब उन्हें सिंगिंग में भी काम मिलना बंद सा हो गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि फिल्म बनेगी तो ये फिर गाना छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में भी उनके लिए एक दरवाजा खुला हुआ था। नाराजगी के बावजूद उनके दोस्त आर के बैनर का द्वार। आर के बैनर ने दिल खोलकर इनका स्वागत किया। इसके बाद मुकेश ने कभी भी फिल्मों में एज ए हीरो किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की और पूरी तरह अपने हाँ गायकी पे ध्यान दिया और भारत के सबसे सफल गायकों में अपना नाम दर्ज करवाया। शंकर जयकिशन, राज कपूर और मुकेश के गीत जब जब आए तब तब सबको मालूम होता था कि कोई कमाल का गीत होने वाला है। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, मेरा जूता है जापानी, इंग्लिश दम भर जो उधर मुंह फेरे, सब कुछ सीखा हमने, किसी की मुस्कुराहटों हो निसार, किसी का जाने कहां गए वो दिन। आप गिनते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जी सर, मनोज जी का कोई किस्सा यादगार फिल्म, उनकी एक याद, उसकी एक याद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर यादगार की याद। जी जी, उस जी, फिल्म में पोल खोल मंडली थी, मनोज साहब ने बनाई हुई फिल्म में जो सबकी पोल खोलती है। वैसे तो मोस्टली हमारा काम कॉमेडी था और पोल खोल मंडली में जूनियर महमूद, मोहन चोटी, पॉल्सन में हम सब लोग थे। एक सीन बड़ा सीरियस था जिसमें हम मनोज कुमार को समझाते हैं, बड़ा इमोशनल सीन था। तो शुरू होता था वो मोहन चोटी से और एंड होता था जूनियर महमूद पे। जूनियर महमूद उस वक्त बहुत बड़ा स्टार बन गया था। अब क्या होता था कि जब वो सीन लेते थे, पैनिंग शॉट था, पहले जाता था मोहन चोटी, फिर पॉल्सन, फिर मेरे ऊपर दो तीन चार और करेक्टर थे, फिर जाता था एंड में जाकर आता था जूनियर महमूद। अब एक दो रिहर्सलें हुई तो जूनियर महमूद को लगी
क्या एक नंबर क्या तो मुझे लघु शंका के दीर्घ शंका जाना था तो मुझे जाना है लेकिन मनोज मुझे कहता यार बीरबल क्या करूं, मैंने कहा देख चुप रहा है थोड़ी देर और सबर कर रोक के रख रोक रख तो क्या हुआ अब फिर अगला टेक हुआ तो इसी तरह को 5-6 टेक हो गए तो जब तक जूनियर महमूद का शॉट आता था ना पहना अब तक तब तक कट हो जाता कोई ना कोई गलती कर देता था अब जब 7वां टेक ले रहे थे मनोज साहब तो बाई चांस वो टेक अच्छा जा रहा था एंड में जूनियर महमूद का भी आया शॉट लेकिन जब शॉट शुरू हुआ तो मनोज साहब ने क्या देखा उनकी सारी निकर गीली हो गई है बड़ा इमोशनल सीन था तो कट करने के बाद बोले कहते जूनियर मैंने तुझे आंखों से रोने के लिए कहा था आंखों से रोने के लिए कहा था नहीं आंखों से रुलाया है जब उन्होंने डायरेक्ट किया यादगार में तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्ट करते थे नेट प्रैक्टिस थी नेट प्रैक्टिस थी लेकिन जब आंखों से रुलाया है तो शोर में लोग शोर एवरेज बिजनेस किया फ्लॉप फिल्म नहीं थी लेकिन सुपरहिट फिल्म भी नहीं थी एवरेज बिजनेस किया शोर फिल्म के गाने बहुत 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 लोगों को पसंद शोर के बाद उन्होंने देखिए यहाँ से मनोज कुमार की लाइफ टर्न ले चुकी थी उपकार के बाद वो समस्याओं के ऊपर आधारित फिल्में बनाना चाहते थे कुछ मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को और फिल्मों की कहानी वैसे ही रची गढ़ी और बनाई जाती थी 1975 से 77 का वो दौर इमरजेंसी का दौर था ट्रेजडी है हमारे देश की उसी दौरान उन्होंने आम आदमी जो जिन समस्याओं से जूझ रहा है रोटी कपड़ा और मकान तब से लेकर आज तक भारत का आम आदमी रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से पार नहीं वो अभी भी कहीं ना कहीं गरीबी में बसर करता है तो मनोज कुमार जी ने इस चीज को सामने रखते हुए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का निर्माण किया रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का निर्माण किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था इसमें कव्वाली बड़ी अच्छी मुझे लगती है उसने कहा तू कौन है मैंने कहा उल्फत तेरी बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई बहुत अच्छी कंपोजिशन लक्ष्मी प्यारे की ये कंपोजिशन और हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम मैं ना भूलूंगा इसमें पहली बार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक साथ में आए इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ शायद एक ही फिल्म होगी अमिताभ बच्चन ने जो की है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान रिलीज हुई और जनता को बहुत भा गई फिल्म भी बहुत भाई और इसके गीत भी लोगों को बहुत पसंद आए संतोष आनंद जी को इस फिल्म के गीत लिखने के लिए बेस्ट गीतकार के अवार्ड से नवाजा गया वहीं महेंद्र कपूर जी को भी इस फिल्म का एक गीत था और नहीं बस और नहीं बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला और मनोज कुमार जी को भी बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया रोटी कपड़ा और मकान चर्चा करूंगा मीना कुमारी की और खासकर उस फिल्म की जिसने छीन ली उनसे उनकी सारी कमाई और हाथ से निकल गया शौहर मीना कुमारी के दुखी जीवन की दुखी दास्तान सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर बैजू बावरा की कामयाबी ने मीना कुमारी को दिलवाया फिल्म फेयर का पहला अवार्ड वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था और इसके बाद मीना कुमारी ने एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी कमर्शियली भी सक्सेसफुल स्टार थी मीना कुमारी परिणीता दिल अपना और प्रीत पराई श्रद्धा आजाद कोहिनूर और सन 1962 में एक रिकॉर्ड बन गया क्या रिकॉर्ड बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 3 फिल्में थी आरती मैं चुप रहूंगी और साहब बीबी और गुलाम और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में तीनों नाम मीना कुमारी के थे ये रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं ये कभी नहीं मीना कुमारी की कामयाबी का ये दौर चलता रहा दिल एक मंदिर क्या खूबसूरत है जी सुपर डुपर हिट फिल्म 1960 के दशक में मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी लेकिन मीना कुमारी ने यह नहीं सोचा था कि ये स्टारडम और ये फेम उन्हें अलग कर देगी पति से एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इनवाइट किया प्रीमियर में चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल
राज्यपाल से परिचय करवाते हुए सोहराब मोदी साहब ने कहा, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्टार, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। देखिए आप, इस बात से कमाल अमरोही इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने सबके सामने गवर्नर से कह दिया कि जनाब, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी बीवी मीना कुमारी है, और ये कहकर वहां से फंक्शन से ही निकल लिए। आप देख सकते हैं ये फ्रस्ट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ये अभी शुरुआत थी रिश्तों के टूटने की। बात कड़वाहट बढ़ती ही चली गई और इतनी बढ़ गई कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। मीना कुमारी को कहा, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। मीना ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब कमाल ने तीन शर्तें रख दी। शर्त नंबर वन, शूटिंग से 6:30 बजे वापस लौट कर आना होगा। 2, उनके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी और दूसरे आदमी की एंट्री नहीं होगी। 3, वो सिर्फ अपनी कार में सफर करेंगी और शूटिंग खत्म होते ही सीधे घर लौट आएंगी। ये तो जेल हो गया। आप फिल्म की, जो आपकी बीवी फिल्म में काम करती है, उसके ऊपर अगर इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे तो जेल खाना हो जाएगा। लेकिन आप मीना कुमारी को देखिए, वो कितना प्रेम करती थी अपने पति को। भारतीय नारी थी ना, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये इंडियन औरत की ये खास बात है यार। मीना कुमारी ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली पति की। दोनों के बीच इस तरह की हालात होने के बावजूद जब कमाल अमरोही पाकीजा बना रहे थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो मीना कुमारी ने अपनी सारी कमाई अपने पति को दे दी। और क्या चाहिए यार, इसी फिल्म मेकिंग के दौरान दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि ट्रेजेडी का सामना करना ही पड़ा और हो गई तलाक। मीना कुमारी के पास पैसे भी नहीं थे और अब शौहर भी नहीं रहा। बहुत डिस्टर्ब हो गई, रातों की नींद लुट गई। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर सईद तैमूर रजा। डॉक्टर साहब को मजबूरन प्रिस्क्राइब करना पड़ा कि आप नींद लाने के लिए एक पैग ब्रांडी का ले सकती हैं, और यही एक पैग बाद में मीना कुमारी की आदत बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, और मीना कुमारी धीरे धीरे अल्कोहलिक होती चली गई। इसी बीच पाकीजा बंद हो गई, पड़ी रही डब्बों में। एक दिन मीना कुमारी के दोस्त सुनील दत्त और उनकी धर्मपत्नी नरगिस ने ये रशिस देखे, तब उन्हें लगा इस शानदार शाहकार को इस दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इंसिस्ट किया कि वो किसी भी तरह से इस फिल्म को पूरा करें, और इसलिए जब दोनों की मुलाकात करवाई तो सुनते हैं कि ये मुलाकात तलाक के बाद हुई पहली मुलाकात थी। शब्द कम थे, दोनों एक कुर्सी के पास अगल बगल बैठे हुए थे, और देखने वालों ने यह कहा है कि पूरे रशिस देखने के दौरान मीना कुमारी जारो कतार रोती रही थी कमाल अमरोही का हाथ पकड़े हुए। खैर, दोनों ने यह फैसला किया कि फिल्म को पूरा करेंगे। 14 साल के बाद यह फिल्म 4 फरवरी 1972 को पर्दे पर आई, रिलीज हुई। लेकिन तब तक मीना कुमारी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, रोग असाध्य हो चुका था, और 31 मार्च 1972 का वो दिन शायद भुलाए नहीं भूलता है। आपके खतूत का, आपके रिस्पांस का इंतजार रहेगा। हमारा नंबर है 55454, उस पर लिखिए बिग देन स्पेस सुहाना सफर और अपना मैसेज। बराए मेहरबानी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।